युद्ध समाप्त हुआ। संध्या का संपाद हो गया। सभी सैनिक अपने अपने शिविरों में लौट जाए। रणभेरिया युद्ध घोषणा के साथ लौट जाए। कुरुक्षेत्र में दिन में रहो, रात में मत रहो। यदि रात में रह गए तो जो दिन में देखोगे रात में ठीक उसी का उल्टा पाओगे। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। खंडित माथा ऊंचे गिरी शृंग से लुढ़कता गाता।
कि हम है दृष्टा रक्त कीच में धसे गिरे सूरज सा युद्ध क्षेत्र के कड़ कर के विधाता हम थे हम हैं हम रहेंगे हम थे हम हैं हम रहेंगे आंखों में अब भी प्राण घातक इच्छा सीत के कौवे सी बंद होती खुलती कि हम ही होते इस महासमर के रक्त पाई हम ही होते नेता चुप रहो यहाँ उनके मस्तक रखे हैं उसी तरह रक्त कीच में पर देखो जब धसा हो कोई अस्त्र पर हड्डियों के खोखों का क्या होगा मत छोड़ो कुछ भी कुरु राज्य में कीमत बड़ी है जान भाव की देखो यहाँ मरते मरते गर्दने ऐठ गई दो शत्रुओं की रस्सियों की तरह आपस में लिपटी हुई मनुष्य जो भी जीवित है वो मनुष्य नहीं है वो है प्रतिरूप या बहरूपिया सोचो मत देखो मृतकण कैसा होगा मरने के बाद महारथी गट्ठर बन जाता है सुबंधु यदि कहीं युद्ध हुआ तो वन प्रांतर के शव भोगी गिद्ध महारंकाट रात में भी आकाश में डैने फैलाए रहते रहते हैं आकाश में उड़ते समय उन्हें धरती के सभी लोग भोज इसलिए उनकी पंखों की हाहा सुनकर मैं भागता हूं केवल शौवाहक भगदत्त भूरिश्रवा शल्य कृत वर्मा की अक्षौणी सेनाओं के शवों का वंशवाहक वीर गति प्राप्त सैनिकों के लटकते शरीर खींचते रहना उनके कुटुंबों को सौंपना महारंगाट को आमंत्रित करो कि शवों का बोझ कम हो बुलाओ महारंगाट को आओ आओ हे महारंगाट आओ धारो हे महारंगाट जो मृत है अधमरे जो लुक छिप करते सांसों में जिनकी आंखों में है धसी विषैली आग जानो जानो रे महारंगाट जानो जानो रे महारंगाट जानो जानो रे महारंगाट मेरा दुख जानो रे महारंगाट अस्त्र हमारी खोज मांस तुम्हारा भोज नोचो नोचो रे महारंगाट नोचो नोचो रे महारंगाट हवा में मनुष्य संहारक अस्त्र शस्त्रों के संचय के
षड्यंत्रों के काले डेरे उतर रहे हैं। हे परात्पर, हमें बलि के इन पर्वतों से बचाओ। इसे युद्ध प्रेतों से बचाओ। हम भयभीत नहीं होते यदि हमारी शिक्षा दीक्षा द्रोण के आश्रम में होती। तो तुम अपना अंगूठा कटा चुके होते। एकलव्य किया जाता। तुम क्षत्रिय हो। कर्म से शौवाहक, शिक्षा से खगोल शास्त्री, स्वभाव से प्रकृत प्रेमी और भाग से अस्त्र-शस्त्र संचय करता मैं महारथ। हे प्रकृति प्रेमी, मैं कोई संज्ञा नहीं हूँ बंधु। मैं हूँ एक आदेश। मैं अपने कान खुले रखता हूँ कि मैं कुछ सुनता हूँ। अभी कभी मुझे अपने कान पर विश्वास नहीं होता। मैं अपने संगी संगातियों से पूछता हूँ कि क्या आपके कान भी वही सुनते हैं जो मेरे कान सुनते हैं। मुझे अचरज है कि सभी के कान वही नहीं सुनते जो मेरे कान सुनते हैं। अभी भी मेरे कान को सुन रहे हैं। यहाँ सुनना, कुछ बोलो, कुछ सुना क्या, कुछ बोलो। है अंतरिक्ष, युद्ध क्षेत्र, धनुष बाण, कटे हाथ, लड़का माथा। आप स्वस्थ रहे। ध्वनिया कब कोयलिया की आवाज है। नक्षत्र खिले फूल, ऊंचे पर्वत। मैं भी कुछ सुन रहा हूँ सुबंधु। हाँ मैं भी। आप मेरे मित्र हैं। कान से चुप भी रहो। अब भी सुन रहे हैं हमारे कान। हे परात्पर, हर शस्त्र ही है, अतएव हम महारथी नहीं है, अतएव हम सत्ताधारी नहीं है। हे जीवन दाता, हम वास्तव में अवध हैं। चुप रहो, रात ही रात होगा महासमर। डरो मत एकत्रियो। यहाँ जो अस्त्र है, जो शस्त्र है, भागो मत शवाहको। तू तो हथियार ऐसे जांच रहा है जैसे तू द्रोण की खबर। ये ले परशु का प्रहार जो मैं लाया था परशुराम से 2 दिनों के लिए। गिरे गिरे भागती दुशाला, अबोध घटोत्कच, सहनशील हनुमा, रजत, विदुर के नाती, कृष्ण के परपोते, माता कुंती, सौंदर्यवती द्रौपदी, सहज, तू वंशपाल नहीं है, योद्धा बन योद्धा, और जब तक रातें बरसती हैं, इस विस्तृत कुरुक्षेत्र में खूनी रातें, तब तक हम जो प्रेत की तरह अस्त्र संचय करने वाले एकत्री हैं। समस्त छल छल से धारण करें अस्त्र शस्त्र और हम पहन ले उनके वस्त्र कि हम ही होंगे इस विकराल अंधकार में पांचाली के पति गांडीवधारी अर्जुन। पांच जन्य रोको रोको तख्तियों, उन विलाप करती स्त्रियों को रोको। देखो वो माता कुंती हो सकती है, वो स्त्री जिसके विलाप स्वर से स्थिर घरों के सज्जे कांप रहे हैं। रुको माता रुको, महासमर की रात में विलाप करती स्त्रियों, रुको रुको। Thank you.
अस्त्र के बिना शस्त्र के बिना पत्नी सिंहासन के वे लोग नहीं थे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वैष्णव सम्राट अगोचर, हे अनंत, हे पारब्रह्म, हे जीव चराचर रक्षक, जीवन इतना सुंदर है, तू क्यों है रे भक्षक? लेकिन इस रात हम शस्त्र करेंगे धारण, मनु के बेटे रहे कहाँ? अब रात अंधेरी काली छाया प्रेत बनी जब बदला बदला कारण। कोई मेरे पुत्रों को आवाज दे, सोए जो अस्त्रों के कफन में, इस महानगरी को देखो धतराज, नपुंसक शक्तिहीन मान को देखो, सत्ता वैभव के लोलुप सम्राटों देखो। गिद्ध भी नहीं खा रहे जिनको श्रृंगाल स्वान रक्त पाई जीव, सब रक्त पीते हैं मनुष्यों का, अब वमन ही वमन इस महानगरी पर। माता रो मत माता, कुंती बन अमन गांधारी, मातृ दुशला उत्तरा पांचाली, पहले तू है माता हमारी। मेरी माता कहाँ है? मेरी माता कहाँ है मेरी? होगा तुमने सब कुछ करना पड़ा,
मुझसे पहले जो इंद्र था उसे हटाने के लिए। मत संग्रह के लिए देव किन्नर जो जो कहते मैं पूरा करता। चाटुकार रहे हो तुम। चाटुकारी ताप से बाधिता, ये तपस्या के मंत्र है कुंती। अब तुम अस्त्रहीन हो, साधारण मनुष्य की तरह। यदि देवकुल यह देख ले। चिल्ला मत अबोध स्त्री, रात के सघोर काल में देवकुल ने वातायन खोल दिए। यदि उन्होंने देख लिया कि मैं अपना मोह गवा चुका हूँ तो वो मुझे इंद्र नहीं मानेंगे। वे देख रहे हैं। ओ बिसरो मत, देवकुल ने असीम विश्वास से अमोघ मुझे सौंपा। विश्वास से? ऐसा मत बोल। जो एक बहाना है। मत बोल। सून ने तुम्हें देखा है। सून तक नहीं करेंगे, उनका रहस्य मुझे पता है। रहस्य जो सबको मालूम रहा है। किसे किसे? काज कुंडलधारी कर्ण से लेकर साधारण जन को भी। वो देखो कवच कुंडल मैंने कर्ण से प्राप्त किया। वो है बाण, पाशुपत बाण। प्रत्यंचा पे चलते ही उनकी नोक आग उगलती है। ये तुमने क्या किया है? हे इंद्र, कहाँ हो इंद्र? मुझे छुप जाने दो कुंती, देवताओं में हाहाकार मचा है, मैं मुझे ढूंढ रहा है। इधर आ रहे में देख लेंगे कि मैं अपना अमोघ गवा चुका हूं। तुम भी छिप जाओ। आ माया भी है, मैं देवताओं से कहूंगा
कि कर्ण की दानशीलता एक थोथे आदर्श की कहानी है। उसने मुझे यूं ठगा जैसे पांडवों को शकुनी ने। तुम्हारी स्त्रियां तो नंगी नहीं हुई भरी सभा में? कुंती सावधान वाली, मैं देवलोक की विलासिनी अप्सरा नहीं हूं। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। तुम मेरे वशीभूत थे, मैं नहीं। मैं तुम्हारी वो स्त्री नहीं हूं। जाने किस ममत्व की शक्ति मुझे खींच लाई। अर्जुन की हत्या नहीं, मैं पूर्ण ज्ञान और विश्वास से कह सकता हूं कि मैं अर्जुन की रक्षा के लिए वहां गया। देखो मेरे हाथ, मेरे पांव, मैं अड़ गया पर मुझे अम्भोग सौंपना पड़ा। जिससे वह अर्जुन की हत्या करेगा या फिर तुम्हारी? मेरा रथ कहीं फंस गया था, इसी बीच उसने बस। तुम याचक थे ना? हाँ, एक भिखारी ब्राह्मण के वेश में। तुमने कहा तुम्हें कवच कुंडल चाहिए। हाँ कहा। फिर उसने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारा पंतव भी जान लिया। अब वो याचक पर ही याचक से प्राप्त अस्त्र फेंक के तुम मनस्तापों से मुक्त हो जाएगा। मुझ पर? नहीं नहीं, अजय कवच मांगने वाले इंद्र की हत्या के बाद अमोक भी उसी का हो जाएगा। वो ऐसा कर सकता है? उसने मुझसे कहा था कि वो अमोक का प्रयोग केवल एक ही बार करेगा। उसके बाद? उसके बाद मेरा अमोक लौट आएगा। अस्त्रों के लेन देन ने तुम्हें नरक में गिराया है। मेरा उद्देश्य पवित्र था। उद्देश्य पवित्र? खोखले शब्दों के बिना कोई नहीं जीता। ओ, कैसा मायावी जाल बुन गया है मेरे चारों तरफ। अस्त्रों के लेन देन ने सबको चालीसिए में ढकेला है। तुम क्या चाहती हो? मैं माँ हुई इंद्र दोनों की। कर्ण दुर्योधन का चिर कृतज्ञ है कुंती। मैं उसे अपने भीतर उमड़ते ममत्व को दिखा सकती हूँ। मैं उससे कह सकती तुम्हारे पिता तो नहीं तीन है। ठीक है, मैं दोनों में से हत्या के लिए किसे चलती? शायद ये अधिकार पिता को है, किसी भी पिता को। मेरे लिए तो दोनों ही मेरे पुत्र हैं। देवताओं ने मुझे अपना भोज बनाया, मेरे बचपन को पासना की भूति जैसे खाते में बदल दिया। मैं तो ऐसी दीक्षिका हूँ जो अपना पिता को भी नहीं सकती। मुझे पांच पुत्र सुरक्षित छोड़ने का वचन दिया, वह जान चुका है और मैं छिपाती रही। तुम जो अर्जुन के पिता होने का दम भरते हो, चाहते तो पांडु को रोग मुक्त कर सकते थे, मुझे सामाजिकता का अवार्ड देकर सचेत कर सकते थे, लेकिन तुम सब सौंदर्य प्रशंसा की आड़ में काम पिपासा से ग्रस्त शंकार कुत्तों की तरह ऐसा भी करने लगी। तब मैं निरुत्तर हो चुकी थी और किसी अबोध कन्या के लिए किसी उत्तर की कोच करना भी कलंक के मन में उमड़ती अपनी बातों अस्वीकार कर स्वीकार करती गई, जो मेरा नहीं मेरे शरीर का। एक दत्तक कन्या का दोष रूपति होना भी है ना। पिता के मरते ही माँ पिता ने मुझे कुंती बोझ की याद छोड़ दिया। मुझे अपने माता पिता की याद भी नहीं। माँ ने मुझे कुंती बोझ की याद बेच दिया।